वेलकम टू देसी खाना। आज हम मज़ेदार सी अरवियाँ बना रहे हैं और अरवियों की भुजिया के लिए हमें चाहिए होगा, मेरे पास है आधा किलो अरवियाँ और इनकी मैंने गोल गोल इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है दरमियाने। और इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास टमाटो पेस्ट है और ये मेरे पास है एक सर्विंग स्पून। और ड्राई मसाले में जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, क्रश चिली पाउडर हाफ टी स्पून और क्यूमन सीड्स चाहिए होंगे मुझे हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर चाहिए होगा वो मुझे चाहिएगा हाफ टी स्पून और गरम मसाला चाहिए होगा क्वार्टर टी स्पून और जो हल्दी है वो चाहिए होगा हमें क्वार्टर टी स्पून और एक खाने का चम्मच लहसुन है और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये मेरे पास है धनिया और हरी मिर्चें और ये थोड़ी मैं पकाते वक्त डालूंगी और थोड़ी मैं गार्निश के लिए रखूंगी। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने कढ़ाई में एक कप ऑयल डाला है और उसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन डालूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। लहसुन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। लहसुन फ्राई हो गया है, ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर अरवियां ऐड करूंगी। इसको मैं फ्राई करूंगी और साथ में ये जीरा ऐड करके अच्छी तरह फ्राई करूंगी ताकि इसकी लेयर खत्म हो जाए। हल्का फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा फ्राई करूंगी। मैं बाकी के सारे ड्राई मसाले ऐड करूंगी। और टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अगर टमाटो पेस्ट ना हो तो आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। एक छोटा बाउल पानी का ऐड करूंगी और सिरका एक खाने का चम्मच बरकत के लिए। थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्चें अभी और बाकी की गार्निश के लिए। अब मैं इसको ढक दूंगी थोड़ा सा हला के हल्की आंच पे और ये दम पे गलेंगी और ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं इसको 5 से 10 मिनट तक दम पे दूंगी ताकि जब तक अरवियाँ अच्छे से गल ना जाएं। हमारी अरवियाँ गल गई हैं, ये देखें कितनी अच्छे से गल गई हैं। और अभी इसमें हल्का हल्का पानी है, मैं इसको अभी ज़रा फ्राई करूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, फिर मैं अपनी डिश को सर्व करूंगी। हमारे मज़ेदार सी अरवियाँ तैयार हो गई हैं। आप इनको खाना बहुत मज़े की लगती है और ये ना घर की रोटी के साथ मज़ा देगी, ये आपको तंदूर की रोटी के साथ मज़ा नहीं देगी इतना जितना ये आपको घर की रोटी के साथ मज़ा देगा। और इसके ऊपर आप नींबू लाजमी निचोड़ के खाना, क्योंकि अरबी के ऊपर नींबू अगर आप निचोड़ के खाएं तो वो बहुत मज़ा देती है। और आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट पे बताना कैसे लगी आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना और अपने फैमिली का सबका बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।